हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रिव्यूज़। तो आज के वीडियो में मैं स्विस ब्यूटी के फॉइल पिगमेंट्स और लिक्विड ग्लिटर्स की रिव्यू और कंपैरिजन करने वाली हूँ। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा लें में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, आपका सारा कन्फ्यूज़र दूर हो जाएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलें। एंड देन या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस चीज़ का रिव्यू चाहिए, कैसे तरह के वीडियोज़ आप पसंद करते हो। या दैट्स इट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, अब हम इनकी पैकेजिंग्स की बात करेंगे। अगर पैकेजिंग देखा जाए तो दोनों की ही पैकेजिंग्स बहुत ज़्यादा ऑसम है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसका जो है राउंड बॉटल काइंड ऑफ पैकेजिंग है फॉइल पिगमेंट्स का, और जो ये लिक्विड ग्लिटर्स का जो पैकेजिंग है इसका कुछ लिक्विड लिपस्टिक काइंड ऑफ पैकेजिंग है। एंड बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो फॉइल पिगमेंट्स है ये 3 ग्राम आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा और इसका प्राइस है 149 रुपीज़ का। और ये वाला जो लिक्विड ग्लिटर्स है, एक्चुअली मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो जो सामने इसका जो ब्रांड नेम है ये फेड हो चुका है हाथ लगने की वजह से। तो इसका जो प्राइस है ये समथिंग 199, मतलब 200 रुपये का आपको पड़ जाएगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 2.25 ml है। आई होप कैमरा कैन फोकस, हाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी टेक्सचर के बारे में। जो स्विस ब्यूटी का फॉइल पिगमेंट्स है ये मेरे पास सिल्वर शेड में अवेलेबल है, एग्जैक्ट शेड नेम आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और आप इसकी जो पिगमेंट है ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा। एंड आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है मेरे हाथों में, ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। और अब इन लिक्विड ग्लिटर्स की, तो मेरे पास यहाँ पे 2 शेड है, लाइक 1 ब्रॉन्ज है और अनदर गोल्डन है। तो एग्जैक्ट शेड नेम भी मैं इन दोनों की मेंशन कर दूंगी। सो अभी मैं आपको गोल्डन दिखलाती हूँ, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट शेड है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब किसी भी कलर का आई शेडो लगाने के बाद आप इसको डैब डैब जस्ट कर लोगे ना, इट लुक फैबुलस। आप देख सकते हो दोनों ही जो ग्लिटर्स हैं पिगमेंट और ये जो लिक्विड ग्लिटर्स है बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा शाइन दे रहा है। और मैं आपको ब्रॉन्ज वाले का भी स्वाचेस दिखला देती हूँ। ये देखिए ये जो ब्रॉन्ज वाला सिल्वर है, ये ग्लिटर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये गोल्डन है और यहाँ पे ये फॉइल पिगमेंट्स हैं। अगर आप फॉइल पिगमेंट्स लेना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास ग्लिटर ग्लू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि फॉइल पिगमेंट्स जस्ट हैंड से लेकर के इसको आप विदाउट ग्लू यूज़ कर लें तो इट इज़ मतलब डिज़ास्टर हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या ना बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है। अगर आप आइस पे लगाओगे ना और आपका जब आइस का ओपन या क्लोज वाला मोमेंट होगा तो उसमें क्या होगा ना कि इतना ज़्यादा फॉल आउट होगा पूरा चीक्स पे एंड अंडर आइस पे। और ये ऐसा है ना कि जस्ट थोड़ा सा मतलब गिरा और ये मतलब फैलते ही जाएगा और बहुत ज़्यादा इधर उधर लग जाता है। और इतना मतलब शाइनी होता है ना, दिखेगा कि मतलब यहाँ लग गया है वहाँ लग गया है। तो मेक श्योर कि आप इसको ग्लू के साथ ही यूज़ करें, विदाउट ग्लू लगाने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप इसको जस्ट एकदम थोड़ा सा विदाउट ग्लू यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो उसको क्वांटिटी है एकदम मतलब थोड़ा सा जस्ट फिंगर से ऐसे करके थोड़ा सा एकदम टच करना है और अपने आईलिड पे जस्ट हल्का इस तरीके से एकदम हल्का टैप डैप करना है ताकि एक्सेस अमाउंट ना लगे। जब एक्सेस अमाउंट नहीं लगेगा तो फॉल आउट होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो आप एकदम ज़रा सा लेकर के हल्का बस एक ग्लिटरी शाइन देना चाहते हैं एकदम हल्का सा, देन आप विदाउट ग्लू यूज़ कर सकते हैं। बट आप कट क्रीज कर रहे हो, हाफ कट क्रीज या फुल कट क्रीज, उस पर आप एकदम अच्छा सा लेयर लगाना चाहते हो, शाइनी लगाना चाहते हो, देन विदाउट ग्लू आप मतलब सोचना भी मत, वरना पूरा फेस ख़राब हो जाता है, इससे इतना ज़्यादा फॉल आउट होता है। या देन अगर हम बात करें इस लिक्विड ग्लिटर्स की, तो ये लिक्विड ग्लिटर्स सिंपली बहुत ऑसम है। अगर आप कट क्रीज कर रहे हो या कुछ भी अच्छा सा लुक कर रहे हो, आपको कोई ग्लू का ज़रूरत नहीं है, आपको इवन कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं है कि उस एरिया को एकदम क्लीन करके। ये इतना ही ज़्यादा पिगमेंटेड है कि ये अपने आप में ही एकदम पॉप आउट होने लगते हैं। बस इनका एक ख़राबी ये है कि आप अगर इसे मेक श्योर ओवर लेयर ना करो, अगर आप इसके 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर कर दोगे ना तो फिर वहाँ पर ना आपको एकदम लाइक उसका ना एकदम दिखने लगता है कि पूरा फट रहा है या फिर पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, ऐसे पपड़ी टाइप एकदम छूटने लगता है, तो पूरा एकदम वो दिख जाता है, बहुत ही ख़राब लगता है। तो मेक श्योर आप इसे ओवर लेयर ना करो, और अगर आप इसे
फिंगर की मदद से हल्का हल्का डैप करके आईज़ पे सेट कर दो, जिनके आईज़ पे काफ़ी क्रीजेज रहते हैं लाइक झुर्रियाँ रहती हैं उनके पे तो लगाना थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, गैप्स दिखने लगते हैं। तो इसे आप मेक श्योर कि अगर ब्लेंड करते भी हो तो ब्रश से मत करो, ओनली फिंगर का इस्तेमाल करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गाइज़ मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप बहुत ही अच्छा सा लुक करना चाहते हो लाइक हेवी ब्राइडल लुक करना चाहते हो, पार्टी लुक करना चाहते हो और आपको एकदम आईज़ पे एकदम मतलब बहुत ही लुस्ट्रिशियस शाइन चाहिए और आप एक्सपर्ट हो लाइक ग्लू वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो आप फॉइल पिगमेंट्स लेना, क्योंकि डेफिनेटली फॉइल पिगमेंट का जो शाइन है वो मतलब इनमें ग्लिटर्स में भी नहीं है, इतना ज़्यादा मज़े का एकदम शाइन आता है, बहुत अमेजिंग। और अगर आप प्रो नहीं हो लाइक आपको उतना ज़्यादा नहीं आता है बट फिर भी आपको यूज़ करना है, आपको ग्लिटर्स लाइक ग्लू वगैरह लगाना नहीं आता उतना नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप डेफिनेटली आप इन लिक्विड ग्लिटर्स को ट्राई करो स्विस ब्यूटी के, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा नहीं कि इनमें शाइन नहीं है बट या इनमें भी बहुत ही अच्छा सा शाइन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन जो पिगमेंट्स के जो शाइन है वो अलग तरह के एकदम मतलब ऐसा है कि हाईलाइट हो जाते हैं कि वो यहाँ पे ग्लिटर है काफ़ी ज़्यादा है। और इनका जो शाइन है इनका भी एक अपना ही अलग तरीके का शाइन है जो कि लाइक हाँ ग्लिटर्स हैं और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। बाय बाय।